हेलो दोस्तों, एमकेएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो दोस्तों, आज हम इसमें बात करने वाले हैं हिंदी, इंग्लिश और मैथ के इंटरव्यू कट ऑफ के बारे में। यानी कि दोस्तों, इस बार आपका इंटरव्यू कट ऑफ क्या रहने वाला है हिंदी, इंग्लिश और मैथ का, और दोस्तों किन किन कैंडिडेट को यहाँ पर जो है इंटरव्यू में बुलाया जा सकता है, और दोस्तों इंटरव्यू जो है वो कब होगा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की। लेकिन दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों इस पर असिस्टेंट प्रोफेसर की कई सारी जो वीडियो वो अपलोड की जा चुकी है और आगे भी जो है अपलोड की जाएगी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आरपीएससी का मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर रखा है, यानी कि सहायक आचार्य कॉलेज लेक्चरर का, ये 2020 की जो वैकेंसी है उसका ये नोटिफिकेशन है। और दोस्तों, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि इसमें आपको एक बार जो ऑफिशियल पोस्ट है वो पता चल जाए। तो दोस्तों, पिछली बार मैथ में 34 पोस्टें आई थी और इंग्लिश में 55 पोस्टें यहाँ पर आई थी, साथ ही जो हिंदी है उसमें लगभग 66 पोस्टें यहाँ पर आई थी। ये दोस्तों पिछली बार की पोस्ट हैं, और इस बार जो पोस्ट आई है वो भी मैं आपको बता दूं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस बार का है, यानी कि अभी जो एग्जाम हुए हैं इस भर्ती का है। और दोस्तों, यहाँ पर जो मैथ में लगभग 53 वैकेंसी आई थी इस बार, और इंग्लिश में 153 यहाँ पर पोस्ट आई है, हिंदी में दोस्तों 214। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि 2020 से 2023 में ज़्यादा वैकेंसी आई है, और इसके आधार पे अब की बार आपका जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाला है तो वो मैं बता दूं। दोस्तों, ये पहले का जो इंटरव्यू कॉल का जो ऑफिशियल रिजल्ट है वो है, इसमें ये 2022 में जारी किया गया था और हिंदी का है। दोस्तों, इसमें किन कैंडिडेट को यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, उसके रोल नंबर है, ये दोस्तों मैं बता दूँ आपको कि यहाँ पर जो है लगभग आप देखिए तो 432 कैंडिडेट को यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था पिछली बार। और दोस्तों, अब मैं बता दूँ कि 2020 में 66 पोस्टों के लिए 7 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, लगभग 432 कैंडिडेट को। और दोस्तों, इस बार देखिए 2023 में तो 214 पोस्टें हैं हिंदी में, और 7 गुना कैंडिडेट से मल्टीप्लाई करें तो लगभग 1498 कैंडिडेट होते हैं, यानी कि लगभग आप ये मान के चलो कि 1000 से ज़्यादा कैंडिडेट ही यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। और दोस्तों, यहाँ पर 7 गुना है या 4 गुना है, किसी में 3 गुना है, किसी में 8 गुना है, किसी में 10 गुना है, ये अलग अलग जारी किया जाता है। इसमें कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है कि इतने गुना कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया जाएगा, इसमें कितने भी गुना कैंडिडेट को बुलाया जा सकता है। लेकिन अगर अपन पिछली बार के मुकाबले देखें तो इतने कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया जाएगा। और दोस्तों, हिंदी में आपका पिछली बार कट ऑफ क्या था, इस बार क्या रहने वाला है वो मैं बता दूँ। तो दोस्तों, पिछली बार का कट ऑफ आप देख सकते हैं कि ये रहा था, लेकिन दोस्तों इस बार हिंदी में क्या है कि ज़्यादा पोस्ट हैं। तो दोस्तों, जनरल में यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, इस बार लगभग 115 से लेकर के 120 तक जनरल में आपका कट ऑफ रहने वाला है, और ईडब्ल्यूएस का भी यही रहेगा, इसमें एक दो कम हो सकता है। और जो एससी और एसटी के कैंडिडेट है दोस्तों, इनका जो है 110 तक ही रहेगा, यानी कि दोस्तों 105 से 110 के बीच में एससी एसटी के जो कैंडिडेट है उनका कट ऑफ इस बार हिंदी में रहने वाला है। और ओबीसी जो कैंडिडेट है दोस्तों, उनका यहां पर 110 से लेकर 115 तक यहां पर ओबीसी का रहने वाला है। क्यों रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि इस बार यहां पर जो है काफ़ी ज़्यादा जो पोस्ट हैं वो आई है, और उसके अकॉर्डिंग ये इंटरव्यू का आपका जो है कट ऑफ मार्क्स है। और इंटरव्यू के बाद में जो मेन रिजल्ट आता है उसमें लगभग 20 से 30 या 40 नंबर तक लोगों के बढ़ जाते हैं, और ये केवल और केवल इंटरव्यू का है, इसमें इतनी आपकी मेरिट रहने वाली है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, इससे कम ही रहेगा 1-2%। तो दोस्तों, ये हिंदी का कट ऑफ था। अब दोस्तों, मैं बता दूं आपको इंग्लिश का। तो दोस्तों, इंग्लिश का जो कट ऑफ है उसके लिए भी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, और इसमें पिछली बार कितने कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया गया था, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर पिछली बार 201 कैंडिडेट को यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। तो दोस्तों, 201 कैंडिडेट को यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, और यहाँ पर जो है आपको मैं बता दूँ कि कितनी पोस्टें थी उस समय। इसलिए दोस्तों, यहाँ पर 2020 में 55 पोस्टों के लिए 3.65 टाइम्स, यानी कि 3.65 गुना, लगभग 4 गुना के करीब 201 कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया गया था। यानी कि दोस्तों, मैंने बताया था अभी आपको कि किसी में 3 गुना बुलाते हैं, किसी में 4 गुना, किसी में 10 गुना भी बुलाते हैं, तो यहाँ पर इंग्लिश में केवल और केवल 3.65, यानी कि लगभग जो 4 गुना है उसके करीब कैंडिडेट को बुलाया गया 55 पोस्टों के लिए 201 कैंडिडेट को। और अगर अपन इस बार 2023 में 153 पोस्ट हैं उसके अकॉर्डिंग देखें तो 3 गुना को, यानी कि 459, लगभग 400 से 500 के बीच में यहाँ पर कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। ये दोस्तों इस बार का है, और इस बार ज़्यादा पोस्ट है इसीलिए। अब दोस्तों, कट ऑफ है वो मैं बता दूँ। दोस्तों, यहाँ पर जो जनरल का कट ऑफ है वो पिछली बार का 87.04 रहा था, लेकिन दोस्तों इस बार ये जो कट ऑफ है वो 80 तक ही रहने वाला है, 80 से कम रहेगा, यानी कि 70 से लेकर 80 तक यहाँ पर जनरल का कट ऑफ रहेगा, और यही कट ऑफ आपका ईडब्ल्यूएस का रहने वाला है, और लगभग आपका यहाँ पर 65 के करीब, यानी कि 65 से लेकर 70 तक, ये दोस्तों आपका एससी और एसटी दोनों कैटेगरियों का इस पर रहेगा। और दोस्तों, ओबीसी का जो कट ऑफ है वो यहाँ पर जो है लगभग आपका 70 से लेकर के 75 तक यहाँ पर रहने वाला है,
क्योंकि दोस्तों ओबीसी में इस बार कम कट ऑफ रहेगा और ईडब्ल्यूएस का, जनरल का, आप किसी का भी देख लो इंटरव्यू का, यहाँ पर जो है इस बार काफ़ी कम कट ऑफ रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों इस बार आप देख सकते हो कि 55 के मुकाबले में 153 पोस्टें यहाँ पर आई है और यहाँ केवल इंटरव्यू का है, इंटरव्यू में जो है लगभग कम नंबरों का यहाँ पर हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों मैथमेटिक का है, तो मैथमेटिक में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि लगभग आप देखिए तो 293 कैंडिडेट को यहाँ पर पास किया गया था इंटरव्यू के लिए, यानी कि दोस्तों 34 पोस्टें थी उसके मुकाबले में 8.61 टाइम, यानी कि लगभग 9 गुना के करीब 293 कैंडिडेट यहाँ पर आए थे। और इस बार अगर अपन कंपेरिजन करें 53 पोस्टों के लिए तो दोस्तों 8 गुना को देखें तो लगभग 424 कैंडिडेट यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे, यानी कि दोस्तों इसमें भी लगभग 400 से लेकर 500 के बीच में जो कैंडिडेट है वो मैथ में इस बार पास किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। और दोस्तों इंटरव्यू में आपको बुलाया जाता है तो दोस्तों कम नंबरों वाले को भी बुला लिया जाता है, लेकिन बाद में किसी के पास नेट नहीं होता है या किसी के पास में क्वालिफिकेशन नहीं होती है तो वो बाहर हो जाता है, और जिसके पास में क्वालिफिकेशन होती है तो वो अंदर रह जाता है। और इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा कैंडिडेट को जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, और लगभग आप ये मान के चलो कि 20 से 40 के बीच में यहाँ पर आपके नंबर बढ़ेंगे सभी सब्जेक्ट के, चाहे वो कितने भी सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्टों में इतने नंबर आपके बढ़ने वाले हैं मेन रिजल्ट में, और इंटरव्यू का ये कट ऑफ रहेगा। तो दोस्तों मैथ में जो जनरल का कट ऑफ है वो 77 था, लेकिन इस बार ये आपका 75 रहेगा, क्योंकि दोस्तों इसमें कुछ ज़्यादा पोस्टें नहीं आई है, 35 से यानी कि लगभग 5-10 ही ज़्यादा आई है, इसलिए यहाँ पर 75 तक कट ऑफ रहेगा आपका जनरल का इस बार। पिछली बार 77 था तो यहाँ पर ये लगभग ईडब्ल्यूएस और जनरल का यही रहने वाला है 75 तक, और जो एस सी एस टी का है लगभग दोस्तों वो आपका 72 या 73 तक यहाँ पर रहने वाला है, किसका, इंग्लिश का। और अगर ओबीसी की बात करें तो दोस्तों ये आपका ओबीसी और एमबीसी का ये लगभग जनरल के बराबर ही यहाँ पर रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों मैथ में काफ़ी कम पोस्ट आई है इस बार, इसीलिए ये इनका लगभग सभी का जो है समान कट ऑफ आपके रहने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद है ये जो वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, साथ ही दोस्तों अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।